हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट। मैं अभिषेक, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बाय बो टाई मेथड। ये होती है बो टाई, जो आप गले में लगाते हैं अपने सूट वूट के साथ। तो इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, ये कैसा बवाल है? तो चलिए जानते हैं आप इसका यूज करके कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे, कैसे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बड़ी ही आसानी से 4 या 5 सेकंड में निकाल पाएंगे, वो भी सिंगल लाइन में। आपको ज्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो का। जानते हैं क्या है बो टाई मेथड, ठीक है? टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन बो टाई मेथड, ठीक है? जैसा ये है 13 × 4 = 14, 30 × 14, ठीक है? अब इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? ये लिखेंगे 13, ये लिखेंगे 14, उसके बाद 4 × 3 = 12, ठीक है? 4 × 4 = 5, 52। उसके बाद यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 3 × 3 = 1, 1 × 1, ठीक है? 2, 5 × 3 = 8, 1। इसमें मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 15 सेकंड तो चाहिए, तो हमें टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव करना है। टाइम कैसे सेव होगा ये मैं आपको बताता हूँ। बो टाई मेथड से सेव होगा टाइम। देखिए जैसे ये है 13 × 14। अब देखो बो टाई मेथड का बेसिक मेथड क्या है, मतलब क्या है। जैसे ये जो आप लाइन देख रहे हैं सिंग, ये सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब है कि आपको सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे 3 × 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको सीधा सीधा। 3 × 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन हमको लिखना क्या होता है, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट लिखना होता है, मतलब 2 लिखा मैंने और 1 चला गया कैरी में, ठीक है? अब उसके बाद करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? ये बो बनना है ना उस टाइप से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसका, 1 × 4 से करना है। 1 × 4 से किया तो 4 आएगा, 3 × 1 से किया तो 3 आएगा। इनको सबको कर लो ऐड, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 8 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है? अब क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सीधी लाइन है। तो 1 × 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1। तो ये क्या हो गया, 182 इसका आंसर। तो देखा कितना आसान है ये तरीका बो टाई मेथड। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन करते हैं उस पर, ठीक है? तो देखिए ये 12 × 34, ठीक है? अब इसको करना है बो टाई मेथड। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 8 आया, ये लिखा है 8, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका डिजिट्स आती है उनका क्या करते हैं हम, एडिशन। तो देखिए इसमें कोई भी कैरी कैरी नहीं आया है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा 8 आ गया। अब उसके बाद 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। लेकिन मैंने क्या बोला, लिखते हम केवल सिंगल डिजिट है और 1 हो जाएगा कैरी, ठीक है? अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3, और 1 ये कैरी का, तो कितना हो गया, 4। तो ये हो गया 408। ऐसे करना है आपको, ठीक है? ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं वैसे ही करूँ तो देखो करना क्या है, लिखना कुछ भी नहीं है, केवल सीधा सीधा लिखने वाला है। ऐसे ही लिखा, 4 × 8 मैंने लिखा, 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6, ठीक है? 6 और 4 = 10, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी, 3 × 3 और 1 = 408, बस ऐसे करना है आपको। मात्र 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम है इसके लिए, ठीक है? और बड़े से बड़ा मल्टीप्लीकेशन हम करके दिखाएंगे आगे आगे, बस वीडियो में बने रहिए। बड़े से बड़ा मल्टीप्लीकेशन, टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो नंबर लिए हैं बहुत आसान लिए इसलिए ऐसा हो रहा है, आगे जो नंबर है वो बहुत टफ है, उनका भी बहुत आसानी से करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए 24 × 38, ठीक है? 4 का 8 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 8 × 4 = 32 होता है, 2 मैंने यह लिखा, 3 कैरी, ठीक है? फिर 8 का 2 में करेंगे, 8 × 2 = 16 आएगा, 3 का 4 में करेंगे, 12 आएगा, सबको ऐड कर लो, 16 और 12 कितना होता है, 28 और 3 = 31, 31 का 1 मैंने लिख लिया, 3 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 और 3 = 9, 9, 912, ये इसका आंसर हो गया, है ना मस्त ट्रिक? अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ इस चीज को, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को तो मजा नहीं आता मुझे वीडियो बनाने में, है ना? तो मोटिवेट करने के लिए ऐसे नई ट्रिक अगर आपको चाहिए रोज, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। लाइक करने में आपका चाहता क्या है,
सिर्फ एक लाइक करना है ना। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ऐसी कई सारी ट्रिक मैंने आपको पहले भी दे रखी है। और एक बात, ये ट्रिक सीखने से कुछ नहीं होगा, ये भी आप जान लें। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप वाकई अपनी कैलकुलेशन सुधारना चाहते हैं तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप मैथ्स सॉल्व करने बैठे, जब भी आप मैथ्स अपने घर पे करते हैं, मैथ्स करने बैठते हैं, तो उस टाइम 10 मिनट आप निकालिए कैलकुलेशन के लिए। मैथ्स शुरुआत करने से पहले आप 10 मिनट कैलकुलेशन को दीजिए। जो भी मैं ट्रिक्स आपको सिखाता हूँ उनको सिर्फ 10 मिनट आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अपना जो भी आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स से रिलेटेड वो आप कीजिए। तो देखिएगा आपके आपके रोज रोज जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन बहुत सुधरती जाएगी। लेकिन आप करेंगे नहीं प्रैक्टिस, सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे या किसी और की वीडियो देखते रहेंगे, तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रांति तभी आती है जब आप कलम चलाते हैं, कलम से ही क्रांति आती है। इसलिए कलम चलानी पड़ेगी, बिना कलम चलाए कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 4-5 सेकंड में आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है, 3824 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये वाला तो हो गया था। नेक्स्ट देखिए जैसे ये है, कितने बड़े बड़े नंबर है, 4659, ठीक है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले 6 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 4 लिखा, 4 तो यहाँ लिखा, बाकी कैरी क्या आया, 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, कैरी आया 5, 54 था ना, ठीक है। 9 4 36, 36 मैंने यहाँ लिख लिया, 6 5 30, 30 मैंने यहाँ लिख लिया, सबको जोड़ दो, 30 और 36 हो गए 66, 66 और 5 71, 71 का ये 71, तो मैंने यहाँ लिख लिया 17 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और 5 6 20, 20 और 7 27, ये आ गया 27 14, ठीक है। इसको आप मन में भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, 9 6 54, 4 यहाँ लिखा, 5 कैरी, ठीक है, 5 कैरी आपको दिमाग में रखना है, 6 5 30, 9 6 9 4 36, 36 और 30 66, 66 और 5 कैरी का था, 5 कैरी का था, तो कितने होगा, 66 और 5 71, 71 का 1 लिखा, 7 कैरी, 7 कैरी दिमाग में रखना है, 4 5 20, 20 और 7 27, 27 14 ये आंसर लिख दिया। सिंगल लाइन में लिखना है आपको आंसर, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी कि आप सिंगल लाइन में हर हर क्वेश्चन का आंसर लिख सके, ठीक है। जैसे ये है 53 का 62 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 2 6 यहाँ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 6 3 18, 10 और 18 28, 28 का 8 लिखा, 2 कैरी, 6 5 30, 30 और 2 32, ये हो गया 3 2 8 6। देखा कितनी आसानी से कर पा रहे हैं हम। देखिए 64 का 72 में करना है। अब देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया, हम निकालेंगे इसका आंसर। 4 2 8 किया, 8 यहाँ लिख दिया, 6 2 12, 7 6 28, 28 और 12 40, 0 लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 4 को दिमाग में रखना है बस, 7 6 42 और 4 46, 4 6 0 8, ये इसका आंसर आ गया, है जी। देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें क्या है, 71 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 1 5, ठीक है, 7 5 35, 8 1 8, 35 और 8 कितना होता है, 43, 43 का 3 मैंने लिखा, 4 कैरी, 7 2 8 56 और 4, 60, 6035, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8792, और भी बड़े नंबर आ गए। अब देखो 87 और 92 कैसे डील करेंगे, 7 2 14 का 4, ठीक है, 8 2 16, 9 7 63, 63 और 16 कितने होंगे, 7 2 14 आया था ना, 1 कैरी था, ठीक, हाँ, 8 2 16, 7 9 63, 63 और 16 79, 79 और 1 80, 80 का 0, 8 कैरी, 8 कैरी, 8 9 72, 72 और 8 80, 8004 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आई होगी ट्रिक, मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको, आपको पसंद आई होगी बो टाई मेथड। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन का, ट्रेडिशनल मेथड भूल जाना, क्योंकि मेरा काम ही आपका ट्रेडिशनल जो भी मेथड है उसको भुला देना और नए नए आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, मेरा यही काम है। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, सबका फ्री स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, examska.com पे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सब मिलता रहेगा, स्टैटिक जीके के नोट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, सब आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको आज का ये ट्रिक। इसके अलावा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आया तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।